Good morning, students. Today we are going to learn English subject. The first page of the textbook, that is Introduction to the Spoken English, that is full form and the contracted form of words. Now, what is full form and what is contracted form? Full form का मतलब क्या होता है और contracted form का मतलब क्या होता है? जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं कहूंगा आई एम सॉरी, तो आई एक अलग वर्ड है, एम एक अलग वर्ड है और सॉरी एक अलग वर्ड है. तो इन तीनों वर्ड्स में डिफरेंस जो है कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स का वो है आई और एम, जो हेल्पिंग वर्ब है और जो प्रोनाउन है, उन दोनों को एड करके एक छोटा सा वर्ड बनता है. जैसे कि आई एम, मैं आपको एक वर्ड बताता हूं. जैसे कि आप देख रहे हैं, फुल फॉर्म एंड कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आपको दो वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, शैल नॉट और शैंट. अब ये शैल नॉट, ये दो अलग वर्ड्स है, लेकिन जब हम इसे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्टेड यानी एक एक वाला फॉर्म, जब दो अलग वर्ड्स को हम एक करते हैं, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को कैसे लिखा जाता है? जब उस दो वर्ड्स के ये बीच में से कोई अल्फाबेट्स निकाल के वहां पे एक कॉमा डाला जाता है. देखिए, आपने सुना होगा कि कॉमा जब हम ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में या हिंदी में या उर्दू में, कहीं पे भी जब हम कॉमा देते हैं स्वल्प विराम, तो वो नीचे की तरफ होता है जो वर्ड्स के नीचे, लेकिन ये वैसा कॉमा है जो वर्ड के ऊपर दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में एपोस्ट्रोफी कॉमा. एपोस्ट्रोफी कॉमा क्या करता है? दो जॉइंट किए हुए वर्ड्स के बीच में एक डिस्टेंस बनाता है और उसको रीड करने में हमें हेल्प करता है. जैसे कि शैल नॉट, शैल नॉट में से जो रेड कलर के आपको दो एल दिख रहे हैं और नॉट में जो आपको ओ दिख रहा है, वो ओ को हमें हटाना है और उन दो वर्ड्स को मिक्स करके शैंट करके एक वर्ड न्यू तैयार होता है. और ऐसे वर्ड्स को सीखना है आज हमें, जिसे शैल नॉट को हम कहेंगे फुल फॉर्म, यानी कि वो दोनों वर्ड्स फुल फॉर्म में है और शैंट ये जो वर्ड है ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है. तो इसके आगे हम देखेंगे, ये आपके सामने कुछ वर्ड्स है अल्फाबेटिकली कुछ वर्ड्स है. Aren't, are not. अब देखिए, पहला वर्ड जो राइट साइड में दिया गया है वो है फुल फॉर्म आर और नॉट. आर एक अलग वर्ड है, नॉट एक अलग वर्ड है. ये दोनों वर्ड को मिक्स करके बनता है aren't. पढ़ने में आर और नॉट अलग है और कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन का प्रोनाउंसिएशन यानी कि उसका उच्चारण भी अलग है. आर नॉट बनता है aren't. सेकेंड वर्ड कैन नॉट, कैन नॉट बनता है कांट. थर्ड वर्ड है कुड नॉट, कुड नॉट को हम प्रोनाउंस करेंगे कुडेंट. देखिए, हमने पहले तीन वर्ड जो पढ़े उसमें आर ए आर ई आर एन ओ टी नॉट, इसमें से आर वैसे का वैसा है, एन ओ टी नॉट में से ओ को हटा के ओ की जगह पे एक एपोस्ट्रोफिक कॉमा, यानी जो ऊपर की तरफ एक कॉमा होता है, वो कॉमा देने से वो दो वर्ड्स एक हो जाते हैं. आर नॉट बन गया आरेंट. सेकेंड है कैन नॉट, कैन नॉट बन गया कांट. कुड नॉट बन गया कुडेंट. डिड नॉट डिडेंट. डज नॉट डजेंट. डू नॉट डोंट. हैड नॉट हैडेंट. हैज नॉट हैजेंट. हैव नॉट हैवेंट. ही हैड को कैसे पढ़ेंगे? अब देखो, ईच ई अपोस्ट्रोफी और डी दिया है, तो ही हैड ये फुल फॉर्म है और शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ डी का उच्चारण होगा. हीड, ही हैड हीड. ही वुड हीड. अभी देखिए, ही हैड के लिए भी ही है और ही वुड के लिए भी ही है, तो ऐसे समय में हमको कैसा पता चलेगा कि वो हैड वाला हीड है या वुड वाला हीड है?
तो उस समय सेंटेंस का टेंस देख के आपको पता चल जाएगा कि वहां पे हैड आएगा या वुड आएगा, यानी पास्ट टेंस है या प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। पास्ट टेंस रहेगा तो हैड आएगा, हीड माने एच ए डी ही हैड, और फ्यूचर टेंस रहेगा तो हीड माने ही वुड। तो जब टेंस चेंज होता है तो हैड और वुड का ये डिफरेंस आपको समझ में आता है। उसके बाद हम देखेंगे ही विल और ही शाल। अब देखिए ये दोनों भी वर्ड्स का आंसर सेम है, एच ई ही वैसे का वैसे, एपोस्ट्रोफी कॉमा और डबल एल, ही विल और ही विल का हुआ ही और ही शाल का भी हुआ ही। तो ये दो भी टेंस के ऊपर से आपको पता चल जाएगा कि कहां पे कौन सा वर्ड आएगा। उसके बाद है ही इज। अब ही इज को, ये दो अलग वर्ड्स को एक में कैसा लिखा गया है, ही वैसे का वैसे अपोस्ट्रोफी देके आए हटा के ऐसा आया, तो ही इज बना हीज, ही हैज भी बना हीज। अभी ही इज प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और ही हैज सिंपल पास्ट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में अपने को जो फुल फॉर्म वाले वर्ड्स है अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में प्रेजेंट हो या पास्ट हो हमको वो वर्ड वैसे का वैसा ही लिखना होता है, वैसा का वैसा ही दिखता है। उसके बाद हम सेकंड पेज पे आएंगे, आई हैड। आई हैड को आईड आईड कहा जाता है, आई हैड आईड, आई वुड आईड, अगेन द सेम पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, हैड पास्ट टेंस में, वुड फ्यूचर टेंस में। उसके बाद आई विल, आई शाल, आई एम, आई विल का आया आई, आई आई विल और आई, आई शाल और आई, विल और शाल, अगेन द टू टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। देन यू विल कम टू नो विच वर्ड इज यूज इन विच टेंस। सो थर्ड वन, उसके बाद आता है आई एम, आई एम, हम फुल फॉर्म ऐसे पढ़ते हैं आई एम, तो उसका शॉर्ट फॉर्म यानी कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कैसा पढ़ेंगे, आई एम आई एम, आई हैव आईव आईव, आई हैव आईव आई हैव आईव, इज नॉट इजंट, लेट अस लेट्स, माइट नॉट माइटंट, मस्ट नॉट मस्टंट, शैल नॉट शैंट, she had she'd, she would she'd, she will she'll, she shall, उसका भी आंसर आएगा she'll। तो इस तरीके से there are alphabetically n number of words, if you want to write you can write it, later on I will show you, but before that I would like to play a video, उसमें आपको पता चल जाएगा कि उसको प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है, उसको लिखा कैसे जाता है, दो अलग शब्द को एक शब्द में कैसे जोड़ा जाता है। वीडियो वन, English learning, contracted forms, in English, contractions are commonly used in speech and informal forms of writing, I am, you are, he's, is, he has, she's, she has, it has, is, there is, there has, isn't, is not, aren't, are not, isn't, was not, weren't, were not, I've, I have, you've,
have. Leave. You have. If. They have. Hasn't. Has not. Haven't. Have not. Doesn't. Does not. Don't. Do not. Didn't. Did not. I'll. I will. You. You will. He'll. He will. She'll. She will. We'll. We will. They'll. They will. Will. Can't. Cannot. Couldn't. Could not. Don't. Dare not. Hadn't. Had not. Mightn't. Might not. Mustn't. Must not. Needn't. Need not. Oughtn't. Ought not. Shan't. Shall not. Shouldn't. Should not. Used. Used not. Won't. Will not. Wouldn't. Would not. I'd. I had. I would. You'd. You had. You would. He'd. He had. He would. She'd. She had. She would. It had. It had. It would. We'd. We had. We would. They'd. They had. They would. Would. They had. We would. If you like my video, please like and subscribe my channel. And also share this video to others. English learning. Contracted forms. In English, contractions are commonly used in speech and informal forms of writing. I. So, did you watch the video? What do you understand when two different words are? When two different words are said as full form and when they are joined, यानी कि उनको जब जोड़ दिया जाता है एक apostrophe comma की मदद से, तो उस comma के वजह से क्या होता है, हमको पता चलता है कि वो एक contracted word है. तो देखिए यहाँ पे पहले आपको word क्या दिख रहा है, who are. अब who are को ये दो अलग वर्ड है, यानी कि ये फुल फॉर्म वाले वर्ड है. अब इसी फुल फॉर्म वाले वर्ड को अगर हमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, who और are को जोड़ के उसमें से a हटा देना है और अपोस्ट्रोफी. लेकिन अभी हमको कैसे पता चलेगा कि कब कहां पे क्या हटाना है और अपोस्ट्रोफी कॉमा कहां लगाना है, उसके लिए आपको ये सारे वर्ड याद करने होंगे. जैसे कि who are बन जाता है हूर, who is का बन जाता है whose, who has whose, who has whose, who have whove, who have whove, will not won't, would not wouldn't, you had you'd, you would you'd, you had और you would का सेम होता है you'd,
जैसे कि हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये जो तीन टेंसेस होते हैं हमारे इंग्लिश में सेंटेंसेस में, उन टेंस के आधार पे, उस टेंस के बेसिस पे ये वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। जैसे कि हैड पास्ट टेंस है, वुड फ्यूचर टेंस है। पास्ट टेंस यानी जो बीता हुआ होता है और फ्यूचर यानी जो आने वाला वक्त होता है। तो पास्ट टेंस में हम हैड का इस्तेमाल करते हैं और फ्यूचर टेंस में वुड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हैड और वुड को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखने की बारी आती है तो दोनों को सेम लिखा जाता है। जैसे कि देखिए, यू हैड और यू वुड नजर आ रहा है आपको, यू हैड और यू वुड का आंसर सेम आता है, यू और यूड। उसके बाद है यू विल और यू शाल। अब विल और शाल दोनों फ्यूचर टेंस है, लेकिन एक परफेक्ट है, एक कंटिन्यूअस है। तो दोनों भी फ्यूचर टेंस में उसका आंसर यू विल का यू होगा और यू शाल का भी यू होगा। प्रोनाउंस कैसे करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसका स्पेलिंग गलत ना होते हुए कैसे लिखना है वो भी इंपॉर्टेंट है। यू विल, यू अपोस्ट्रोफी कॉमा डबल एल यू, यू शाल अपोस्ट्रोफी कॉमा यू। उसके बाद आता है यू आर, यू अपोस्ट्रोफी कॉमा आर ई योर, यू हैव यर, यू आर का योर और यू हैव का यव, यव, यू आर योर, यू हैव यव। उसके बाद हम देखेंगे टेक्स्ट बुक का जो फर्स्ट पेज है चैप्टर नंबर वन से पहले, अगर आपने टेक्स्ट बुक लाए हो वर्चुअल क्लास में तो टेक्स्ट बुक निकालिए, जो आपका यूनिट 1.1 है उसके पहले एक पेज है जहां पे लिखा गया है फुल फॉर्म और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का पेज। यू कैन सी पहला है आई एम बिजी, स्टार्टिंग के दो वर्ड्स देखिए आई और एम, ये दोनों अलग है। उसके बाजू में उसका आंसर दिया गया है आई अपोस्ट्रोफी कॉमा एम, यानी कि आई एम बिजी, आई एम बिजी, आई एम बिजी, ये आंसर। तो आई एम को शॉर्टकट में लिखा गया है आई अपोस्ट्रोफी कॉमा एम, आई एम। उसके बाद सेकेंड वाला सेंटेंस देखेंगे, दे आर टायर्ड, टायर्ड माने थक जाना, दे आर टायर्ड। अब यहां पे जो पहला प्रोनाउन है और उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब यानी इज एम आर विल शाल, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। तो दे ये प्रोनाउन है और आर, ये दोनों को हमें ज्वाइंट करना है। जैसे कि दे आर बन गया देर, देर टायर्ड, दे आर टायर्ड। उसके बाद ही इज नॉट कमिंग, देखिए बच्चों अभी जहां पे नॉट ये वर्ड आता है तो क्या हो जाता है, इज और नॉट ये दोनों भी हेल्पिंग वर्ब्स हो जाते हैं। या तो हम इज और नॉट को एक साथ जोड़ सकते हैं या प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब को एक साथ जोड़ सकते हैं। जैसे कि ही एक प्रोनाउन है, इज एक हेल्पिंग वर्ब है, ही और इज को जोड़ा तो हो जाता है ही इज नॉट कमिंग, यानी कि जो सेकेंड वाला आंसर है, जो सेकेंड वाला आंसर है यहां पे, ये ही इज नॉट कमिंग। आफ्टर दैट जब हम इज और नॉट को एक साथ करते हैं तो जैसे कि इज और नॉट बन गया इजेंट, ही इजेंट कमिंग। सो जब नॉट आएगा किसी भी सेंटेंस में या किसी भी फुल फॉर्म और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, तो नॉट के समय प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब का एक कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होगा और दोनों हेल्पिंग वर्ब को एक साथ करके कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होगा। जैसे कि ही इज नॉट कमिंग बन सकता है ही इजंट कमिंग या फिर ही इज नॉट कमिंग, दोनों भी जवाब सही है। उसके बाद यू विल लाइक इट, तो यू प्रोनाउन और विल हेल्पिंग वर्ब, यू और विल को एक साथ करने पे क्या हो जाएगा, यू अपोस्ट्रोफी कॉमा डबल एल यू, यू लाइक इट, यू विल लाइक इट और यू लाइक इट। यू विल लाइक इट बोलने में हमको थोड़ा समय लगता है, यू लाइक इट बोलने में थोड़ा कम समय लगता है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स इसीलिए ईजाद किया गया था ताकि हम अपनी भाषा और तेजी से बोल सके और समझ भी सके, शॉर्टकट में बोल सके। उसके बाद है शी विल नॉट लाइक इट, देखिए अब यहां पे वापस नॉट आया, विल, शी, विल और नॉट, शी प्रोनाउन है, विल हेल्पिंग वर्ब है और नॉट भी हेल्पिंग वर्ब है। तो शी और विल को एक साथ जोड़ा जाए तो क्या बनेगा, शी विल नॉट लाइक इट,
और विल और नॉट को एक साथ जोड़ा गया तो शी वोंट लाइक इट। तो इस तरीके से जब नॉट आएगा हेल्पिंग वर्ब के साथ में तो हमें दो जवाब मिलेंगे। देखिए ऊपर वाला यू विल लाइक इट, वहां पे नॉट नहीं था तो हमें एक ही जवाब मिला, यू और विल को एक साथ जोड़ के यू। लेकिन अगर वहीं पे नॉट होता तो यू विल नॉट लाइक इट, तो हम क्या लिख सकते थे, यू विल नॉट लाइक इट या फिर यू वोंट लाइक इट। तो दो हेल्पिंग वर्ब को जब जोड़ा जाता है तो एक अलग जवाब मिलता है, एक प्रोनाउन और एक हेल्पिंग वर्ब को जोड़ा जाता है तो एक अलग जवाब मिलता है। तो हमेशा याद रखना बच्चों, जब प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब के साथ में एक नॉट ये शब्द जब जोड़ा जाएगा तो हमें हमेशा जवाब दो तरीके से मिलेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया शी विल नॉट लाइक इट का आंसर आता है दो, शी वोंट लाइक इट या फिर शी विल नॉट लाइक इट। उसके बाद देखेंगे अगला जवाब, वी हैड been for a trip, यह आपके सबकी किताबों में है। अगर आपके पास किताब नहीं रहेगा तो आप टीवी की तरफ देख सकते हैं, लेकिन अगर किताब है तो आप जरूर किताब में देखिए और उंगली रखिए मैं जो पढ़ रहा हूं उस जगह पे। वी हैड बीन फॉर अ ट्रिप, यू हैड बीन फॉर अ ट्रिप, उसकी जगह पे देखिए वी एक प्रोनाउन आया और हैड एक हेल्पिंग वर्ब आया। वी और हैड को ज्वाइन करके क्या बना, वीड, वीड बीन फॉर अ ट्रिप। उसके बाद इट मस्ट नॉट हैपन अगेन, अभी मस्ट और नॉट इट प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पे मस्ट हेल्पिंग वर्ब है और नॉट उसका हेल्पिंग वर्ब। सो नो मस्ट और नॉट को जब हम एक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, मसंट। तो आप मेरे पीछे प्रोनाउंस कीजिए, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में बहुत गलतियां होती है, मस्ट नॉट मसंट, बोलिए पीछे, मस्ट Not mustn't, must not mustn't। उसके बाद that would be fine, ये एक वर्ड है जिसमें that और would ये दो वर्ड्स को हमें एक साथ जोड़ना है, तो that would बनेगा that'd। सिर्फ लास्ट में d लिखा गया है तो d को ही प्रोनाउंस करना है, that would that'd, that would be fine, that would be fine, that would be fine। उसके बाद एक लास्ट में क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, do you not like it, अभी do, you और not ये तीन वर्ड है, लेकिन इन तीन वर्ड में हमें you को हाथ नहीं लगाना है, सिर्फ do और not को जोड़ना है। तो कैसे आएगा, don't you like it, Don't you like it? ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। उसके बाद नीचे आपको एक एक्सरसाइज दिया है, वो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम आपको एक और वीडियो बताएंगे जिसमें आपको समझ में आएगा कि प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है, उसका उच्चारण कैसे किया, उसको बोला कैसे जाता है। Hi, this is Asha with a video for our YouTube channel, English for Arabs. Today's lesson, Complete Form, Part 1. Complete Form, Part 1. Short Forms. Short Forms. I am. I am. यहाँ पे कंप्लीट फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म लिया गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंप्लीट यानी कॉन्ट्रैक्टेड नहीं फुल फॉर्म, और शॉर्ट फॉर्म यानी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। आई हैव, आई आई विल, आई शैल, आई विल, आई शैल, I'll, I would, I had, I would, I had, I'd,
You are. You are. You're. You're. You have. You have. Use. Use. You will. You will. You'll. You'll. You would. You would. You'd. You'd. He is. He has. He is. He has. He's. He's. He will. He will. He'll. He'll. He would. He would. He'd. He'd. That's all for today. Thanks for joining us and see you next time. Hi, this is Asha with a video for our YouTube channel, English for Arabs. Today's lesson, Complete Form, Part 1. Complete Form. So, आपने वीडियो देखा, वहां पे आपको प्रोनाउंस कैसे किया जाता है आपको समझ में आया होगा। देखिए अभी ये टेक्स्ट बुक में आपके जो नीचे वाला हिस्सा है वहां पे आपको ये एक्सरसाइज दिया गया है, जहां पे खाली जगह है वहां पे आपको आंसर लिखना है। तो सब लोग अपना पेन या पेंसिल निकाल लीजिए, हम इसको अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला वर्ड है लेट्स। लेट्स दो जगह पे दो वर्ड है, वो दोनों वर्ड क्या है वो आपको ढूंढ के लिखना है। तो लेट और एस के बीच में एपोस्ट्रोफी कॉमा है। सबसे पहले तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वाला वर्ड और फुल फॉर्म वाला वर्ड को पहचानना कैसे है। जैसे कि देखो, जहां पे जिस वर्ड में ऊपर वाला कॉमा यानी कि एपोस्ट्रोफी कॉमा दिखाई देता है वो होता है कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड, और जहां पे कॉमा नहीं होता है और दो अलग अलग वर्ड होते हैं उस वर्ड्स को कहा जाता है फुल फॉर्म वर्ड्स। तो अभी जो पहला वाला है वो लेट्स है, तो ये कॉन्ट्रैक्टेड हुआ या शॉर्ट फॉर्म यानी कि ये फुल फॉर्म। हाँ, तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को अभी हमें फुल फॉर्म में लिखना है, तो लेट्स हो जाएगा। लेट अस, दिखाई दिया, लेट और अस का मिलाप जब होता है तो वो बन जाता है लेट्स। उसी तरह दूसरा शैंट। अभी ये शैंट क्या है, अगर आपने सारे वर्ड्स पढ़े हैं याद करें तो आपको समझ में आएगा कि शै यानी कि शै मतलब तो शॉल आ रहा है और एन टी आ रहा है, एन और टी, एन अपोस्ट्रोफी कॉमा टी जब भी आएगा तब आपको समझना है कि वो नॉट है। तो ये आंसर हो गया शॉल नॉट। जिनके पास टेक्स्ट बुक है आंसर लिख लीजिए। पहला है लेट्स का लेट अस, सेकंड है शैंट यानी कि शैल नॉट। अभी देखिए इससे थर्ड वाले में हमको फुल फॉर्म दिया गया है और हमें शॉर्ट फॉर्म फाइंड आउट करना है। तो दे और हैव, तो दे का सबसे पहले तो आएगा वैसे के वैसे, अभी आपको देना है अपोस्ट्रोफी कॉमा, उसके बाद में हैव के आखिरी दो लफ्ज यानी कि वी ई, तो ये बन गया देव। दे हैव देव, क्या बना, दे हैव देव। मेरे पीछे बोलिए ताकि आपको भी प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत ना आए। दे हैव देव, दे हैव देव। नेक्स्ट है फिर से फुल फॉर्म दिया गया है और आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म फाइंड आउट करना है, तो वो फुल फॉर्म क्या है, वर
नॉट. देखो अभी हमें गलती क्या करते हैं, डब्ल्यू ई आर ई वेयर पढ़ते हैं, वेयर नहीं होता, वो वर होता है, वर नॉट. वेयर कौन सा, डब्ल्यू एच ई आर ई वाला वेयर होता है, यानी कि कहां, और ये वर ये एक वर्ब है, वर नॉट. अब वर नॉट को हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखने के टाइम पे क्या करना है, वर वैसे का वैसा कॉपी एपोस्ट्रॉफी कॉमा और नॉट का आएगा एंटी. वेरेंट वेरेंट वर नॉट वेरेंट, मेरे पीछे बोलिए वर नॉट वेरेंट. अभी उसके बाद हमें शॉर्ट फॉर्म दिया गया है यानी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म दिया गया है वर, और उसका हमें फुल फॉर्म निकालना है. देखिए आपने थोड़ी देर पहले वर नॉट पढ़ा, वहां पे डब्ल्यू ई आर ई वर स्पेलिंग थी, लेकिन डब्ल्यू ई आर ई स्पेलिंग में कोई अपोस्ट्रॉफी कॉमा नहीं था तो वो वर हुआ, लेकिन यहाँ पे जो सवाल दिया गया है डब्ल्यू ई आर ई स्पेलिंग तो सेम है लेकिन बीच में क्या है अपोस्ट्रॉफी कॉमा है, तो यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वाला वर्ड है, यानी कि ये दो वर्ड का मिला हुआ एक सिंगल वर्ड है. अब जब कॉमा आया है तो वहां से हमें उन दो वर्ड्स को अलग करना है और हमें लिखना है वी आर, वी आर बना वर, क्या बना वी आर वर, वी आर वर. अभी उसके बाद है कैनॉट, अभी कैनॉट ये दो वर्ड है, कैन और नॉट ये दो वर्ड है. अब ये कैन और नॉट को हमें क्या करना है, जोड़ना है, और जोड़ने के लिए कौन सा गम इस्तेमाल किया जाता है, एपोस्ट्रॉफी कॉमा नाम का गम होता है. वो गम क्या करता है, दो अलग अलग वर्ड्स को जोड़ के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वाला वर्ड बनाता है, जैसे कि सी ए एन कैन वैसे का वैसे लिख दिया और एन अभी पहले से है तो वापिस एन टी लिखने की जरूरत नहीं, एपोस्ट्रॉफी कॉमा डाल के सिर्फ टी लिखना है. कांट कैन नॉट कांट, बोलिए मेरे पीछे कैन नॉट कांट कैन नॉट कांट. अभी है वेयर इज, वेयर ये सवाल है और इज हेल्पिंग वर्ब है, वेयर यानी कि क्वेश्चन पूछने वाला वेयर, इसे वेयर कहा जाता है. डब्ल्यू ई आर ई को वेयर कहा जाता है, डब्ल्यू एच ई आर ई को वेयर यानी कि कहां, वेयर इज. वेयर इज को जब हम जोड़ के लिखेंगे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में तो वेयर वैसे का वैसे लिखना है, हमारा एपोस्ट्रॉफी कॉमा जोड़ना है, उसके आगे सिर्फ इज का आई निकाल देना है, सिर्फ एस लिखना है. जब भी इज आएगा एपोस्ट्रॉफी के बाद आई निकाल के सिर्फ एस लिखना है, जब भी नॉट आएगा एपोस्ट्रॉफी निकाल के एन टी लिखना है, ठीक है. तो अभी वेयर इज का क्या हो गया, वेयर्स, वेयर इज वेयर्स, बोलिए पीछे वेयर इज वेयर्स. उसके बाद है व्हाट आर, अब व्हाट आर का ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में दिया गया है तो वॉटर का क्या होएगा, वॉट आर, वॉट आर, वॉटर वॉट आर. उसके बाद देयर्स, टी एच ई आर ई देयर वैसे के वैसे, और सिर्फ एस का मैंने क्या कहा था, जब इज आएगा तो एस लिखना है, तो यहां पे एस दिया हुआ है तो क्या आएगा, इज देयर इज. तो मैं उम्मीद करता हूं आप सबको ये चैप्टर फिर से समझ आया होगा, तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है आपकी इसी टेक्स्ट बुक के ये सारे वर्ड्स, और इनसे आपको स्टेटमेंट्स यानी कि सेंटेंसेस बनाने हैं. तो आज का ये चैप्टर था हमारा कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स और फुल फॉर्म वाले वर्ड्स पे. फुल फॉर्म वाले वर्ड्स यानी कि जो दो वर्ड्स होते हैं, और कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स यानी उन्हीं दो वर्ड्स को जब मिला के लिखा जाता है तो उसे कॉन्ट्रैक्टेड. एक बात हमेशा याद रखना, कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड लिखने के लिए आपको हमेशा एक एपोस्ट्रोफी कॉमा की जरूरत होती है, ये वो साधारण कॉमा नहीं, ये कॉमा ऊपर लिखा जाता है वर्ड के, दो वर्ड्स के बीच में ऊपर लिखा जाता है, उसे कहा जाता है एपोस्ट्रोफी कॉमा. सो थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर डे.